दोस्तों, आपका इंडिया अपडेट में हार्दिक स्वागत है। हम आपको इंडिया अपडेट के अर्थशास्त्र के विषय में कुछ अच्छी जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले हमें आपसे एक निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए और घंटी का बटन दबा के श्रम अर्थशास्त्र की परिभाषा हम आपको बताते हैं। श्रम अर्थशास्त्र क्या है? श्रम अर्थशास्त्र एक ऐसा विस्तृत व्याख्यांश है कि जिसका विगत कुछ वर्षों कुछ दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहित साहित्य में प्रचार होने लगा है। श्रम अर्थशास्त्र अध्ययन के एक प्रमुख अंग के रूप में अर्थशास्त्र के अध्ययन की एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत श्रम एवं उसकी समस्याओं और इससे संबंधित सिद्धांतों आदि का अध्ययन किया जाता है। परंतु श्रम अर्थशास्त्र को हम केवल अर्थशास्त्र का एक अंग नहीं मान सकते, क्योंकि श्रम अर्थशास्त्र पर अर्थशास्त्र के अतिरिक्त समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र एवं नीति शास्त्र आदि अनेक सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव पड़ता है। श्रम की समस्याएं केवल श्रम की आर्थिक समस्या ही नहीं बल्कि राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक समस्याएं भी हैं। यद्यपि श्रम अर्थशास्त्र में भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति अनेक विज्ञानों का प्रभाव पड़ता है, परंतु इसका अपना एक अलग अस्तित्व है। श्रम अर्थशास्त्र सामाजिक उत्पादन में श्रम की बढ़ती हुई भूमिका तथा परिस्थिति स्टेटस की ओर संकेत करता है। आर्थिक अध्ययन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में श्रम अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत श्रम एवं उसकी समस्या तथा उससे संबंधित सिद्धांतों आदि का अध्ययन किया जाता है। श्रम अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। कार्टर तथा मार्शल ने श्रम अर्थशास्त्र को किसी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार में संगठन संस्थाओं और आचरण के लिए अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। लीडर डी रॉबर्ट श्रम अर्थशास्त्र में श्रम समस्याओं के वर्गीकरण एवं विश्लेषण तथा श्रम संघों का विकास एवं भूमिका के साथ श्रम बाजार की विशेषताओं का विवेचन किया जाता है। डेल योडर ने इसे मानव शक्ति अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। उनके अनुसार श्रम अर्थशास्त्र एवं साधनों के अनुकूलतम उपयोग एवं सुरक्षा से संबंधित है। श्रम अर्थशास्त्र